हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और उतनी ही तेजी से पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की संख्या भी बढ़ रही है। राजधानी में अब तक करीब 800 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने भी अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी पुलिस के लिए ये मशीन वरदान साबित हो सकती है। इस मशीन का नाम है जर्मी क्लीन। इस मशीन को देश के लिए रक्षा उत्पाद बनाने वाली संस्था DRDO ने तैयार किया है। अब चलिए जानते हैं कि ये मशीन कैसे कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण से बचाएगी। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जर्मी क्लीन नाम की मशीन लगाई गई है। हमारे पास बेसिकली दिल्ली पुलिस से आई थी रिक्वायरमेंट के ऐसे ऐसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि यूनिफॉर्म को सैनिटाइज किया जाए, तो हमारी टीम जो हमारी लैब की टीम है डिपाच की, उन्होंने दिन रात काम करके 3 से 3.5 दिन में ये सिस्टम जो है यहाँ पे लग गया था। इस मशीन में वर्दी को गीला किए बिना 10 मिनट के अंदर डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस मशीन में पुलिस कर्मी अपने लाठी डंडे हेलमेट बेल्ट को भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इस मशीन की खासियत ये है कि 70 डिग्री तापमान वाली गर्म हवा से किसी भी तरह के वायरस को खत्म कर सकती है। मशीन में एक साथ 30 वर्दियां डिसइंफेक्ट की जा सकती हैं। इससे हमें बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि ऐसी चीजों के लिए अभी तक कोई सेट चीज नहीं थी कि किससे उनको सैनिटाइज किया जाए, तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूं DRDO का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये हमें करके दिया। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के करीब 800 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी क्वारंटीन हैं। कोरोना वायरस अब तक 4 पुलिसकर्मियों की जान भी ले चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जर्मी क्लीन से दिल्ली पुलिस में संक्रमण के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी।